नमस्कार साथियों, अपने चैनल में फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि हमारे चैनल के कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। और इसी संदेश के साथ एक और प्रश्न आपके सामने उठाते हैं। साथियों, अक्सर ये बच्चों के मन में प्रश्न आ सकता है। हम उनको बार बार कहते रहते हैं, स्कूलों में भी कहते हैं, घरों में भी कहते हैं कि हमको पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। तो ये प्रश्न उनके मन में आता है कि पेड़ आखिर हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण कैसे हैं। तो यहाँ पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी की सभी हमारी पेड़ों के माध्यम से पूरी होती हैं। आप देखें, भोजन के लिए तो हमारा अनाज, सब्जियां, फल आदि सभी पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं, जिससे कि हम अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कपड़े, यानी कि आपको मालूम है कि जो कपड़े हमने पहने हुए हैं वो कपास पौधा है उससे बने हुए होते हैं, और मकान भी कई बार हमारी लकड़ियों के से भी बनते हैं, या कि अगर सीमेंट के भी मकान हो तो उनको बनाने में भी कई बार लकड़ियों का प्रयोग होता है। तो और पुराने समय के मकानों में या गांव में अभी भी बहुत से मकान जो है वो लकड़ी आदि से बने हुए होते हैं। तो हमारी सभी मूलभूत आवश्यकताएं पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है वो है कि जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने की जो के लिए जो ऑक्सीजन हमको चाहिए, वो ऑक्सीजन का निर्माण पेड़ पौधे करते हैं। और जो अपने सांस लेने की प्रक्रिया में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसका सदुपयोग पेड़ पौधे करते हैं। आप देखें, एक प्रक्रिया है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस अंग्रेजी में कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में, और अपनी जड़ों से खनिज लवण और पानी को खींचकर वे पौधे अपना लिए भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वे ऑक्सीजन निर्वसित करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो आप वो ऑक्सीजन हमारे लिए काम आ जाती है श्वसन के लिए। तो आप देखें, हमारा सांस लेने से लेकर और जितना भी जीवन की जितनी क्रियाएं हैं उसमें पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जब हम ये बात अपने बच्चों को बताएंगे तो उनको ये बात पता चलेगी कि हाँ, हमारा जीवन पेड़ पौधों पर कितना निर्भर है और हमें उनको अपने जीवन में कितना महत्व देना चाहिए और उनको जगह जगह रोपित करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको, मैं फिर से एक बार कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो आप कृपा करके इनको पसंद कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।